ये बहुत ज्यादती हो रही है इनकी। ये जो अपनी हमारी बेटियां जो देश का दिन में नाम रोशन किया था और आज वो धरना पर बैठी हैं, तो ये एक बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। ये इतने दिन हो गए, कम से कम सरकार और एक तरफ तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये बेटी नहीं है क्या? ये हमारी बेटी है तो ये सारा देश की बेटी है। जिस वक्त इनने देश का नाम कमाया जब, तो सारा देश की बेटी हो गई और अब इनकी कोई सुनता ही नहीं। इससे बुरा और क्या हो सकता है? सरकार को इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि ये फिजूल में कौन चार्ज लगवा देगी कि हमारे साथ लत्थर लगाया, हमारे साथ ऐसा करा ऐसा करा, कौन लगवा देगी? हमारी बेटियां ऐसा गलत चार्ज कोई नहीं लगाएगी। तो इनको जो है ना, एक MP है तो क्या भगवान थोड़ा है? देश में 542 तो इलेक्टेड मेम्बर है, 44 और 240 राज्यसभा में इतने MP है, तो ये MP कुछ भी करते रहे? अरे कम से कम इनको तो न्याय दिलाओ आप, कम से कम वो MP को अपने घर ले जाओ और कहीं ले जाओ, हमें ये थोड़ी तकलीफ है। पर इनके साथ जाति नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जाति हो रही है। सारा देश एकदम उठ के आ जाएगा तो ये सरकार को मुश्किल हो जाएगी और इनका जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहिए। इनकी मांगे जायज हैं, जायज मांगों के बगैर कौन जंतर मंतर पर आलती पालती मार के बैठेगा? जिसने जो है ना, तो ये जो है बहुत ज़रूरी है कि इनके जल्दी से सुनाई हो के जो जो भी हो वो डिसीजन ले। सरकार डिसीजन क्यों नहीं ले सकती? क्या वो जो है ना, वो अगर इनका वो ये MP है तो इसका मतलब ये था कि BJP का MP कोई कुछ भी कर दे? तो मैं तो कहता हूँ सरकार को पार्टी बाजी से परे उठ के और इन बेटियों के साथ देना चाहिए। ऐसा है, अगर उसने गलत नहीं किया तो हरियाणा के लोग इसका मतलब इतने बेवकूफ़ हैं कि अपनी बेटियों को वहाँ बैठा देंगे? गलत किया है तभी तो वो अपने पर चार्ज लगा रही है, कोई कौन लगा देगी? कोई और अपने पर कोई चार्ज लगा सकती है क्या? जो ये गलत कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। हरियाणा के जनता को तो मैं तो कहता हूँ कि अगर इनको न्याय आप लोगों ने न्याय दिलाए तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। हरियाणा की जनता को तो मैं यही कहता हूँ, क्योंकि हमारी बेटियाँ, हम अपनी बेटियों को सेफ नहीं कर सकते, अपनी बेटियों को ठीक नहीं रख सकते, तो हमारा कोई दायित्व तो नहीं बनता कि हम इन बेटियों को जो है ना, जो देश का नाम, जब तो सारा का सारा देश ने बोले रहा हरियाणा का मैं गोल्ड मेडल जीता है, तब कहाँ गए थे ये? कहाँ गए थे ये जो है ना? इसने कभी एक दफ़ा भी ये कहा, मैंने तो सुना ही नाम अभी है जब इस पर ये चार्ज लगे, एक दफ़ा भी ये कहा तो मैं हरियाणा की जनता को बधाई देता हूँ कि उनने ऐसी बहादुर बेटियाँ पैदा की, पर कभी उसका कोई जिक्र ही नहीं। अब वो जो है ना हरियाणा वालों को कहता है खाप वालों को, क्यों? हरियाणा वाले उसने ऐसे सस्ते लगा लिए कि वो अपनी बेटियों की इज्जत लूटने वाले को, अपनी बेटियों की इज्जत पर धाव बोलने की कोशिश करने वाले को बख्श देंगे? तो भाई ये तो बहुत बुरी चीज़। सर्व जातीय खापों को जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए। और मैं तो मेरी खाप से भी प्रार्थना करता हूँ कि वो और जगह तो एक हो जाएंगे, सांगवान धाम पर जो है ना यहाँ खापों की मीटिंग बुला लेंगे। मैं तो उनको भी कहता हूँ कि वो बुलाओ और वहाँ फैसला करो, ताकि जो है ना ये जो हम इनके साथ हैं, हमारी बेटियों के साथ हैं। जिस तरह होगाट खाप ने यहाँ अपने मीटिंग बना के कह दिया, सारे खापों के बाद में देख रहा था TV पर, मेरे ख्याल में 60-70 खापों ने एक तरफा फैसला कर दिया कि हम वहाँ जाएंगे। ये एक जिस तरह जो है ना MSP पर किसानों का धरना था ना, उससे भी खतरनाक साबित होगा, बाद में सरकार को इसका लेने के देने पड़ सकते हैं। और खाप का तो यही है कि हमारे ये नहीं कि अकेला एक खाप, खाप का मतलब ये नहीं कि सांगवान खाप, उसमें 36 जात आती है और सर्व खाप 36 जात की जो है ना, वो अनिल विज के वो सब तो उल्टो बोलने हुआ सरकार के खिलाफ, और वो भी इन बेटियों का काम को जायज मानता है। तो ये खाप सर्व खाप की मेहरबानी है कि अनिल विज को भी बोलने को मजबूर कर दिया और वो ठीक बोल रहे हैं। मैं तो उसको कहता हूँ पहली दफ़ा जिंदगी में ठीक बोल रहा है वो, मैं तो उसको बधाई देता हूँ इस मामले में। और तो उल्टा बोलना उसका धर्म और कर्म है, पर इसके लिए इनको कहा कि बेटियों की मांग जायज है, तो वो एक अब मैं उसको कह सकता हूँ वो बब्बर ठीक ही करते हैं, बब्बर है इस मामले। मेरी पार्टी पुलटी कोई नहीं है, मैं तो अपना बैरंग हूँ। आजकल कोई उठा जब तक मन बढ़ा दे तो मैं कि ठेकेदार हूँ किसी को, मेरा जो है ना, मैं DC ने भी जो है ना इनके खिलाफ तो नहीं बोला, वो इनके पक्ष में बोला है, मैंने सुना था वो पक्ष में बोला। और पक्ष में नहीं बोलेगा तो ये हमारी बहन बेटियाँ उनको गम इतना बढ़न देंगी कि तुम्हारी बहना कब नहीं बता सकते तो क्या करोगे? तो इसमें कोई सख्ती बात नहीं है तो कि, और ये मेरे को ऐसा लग रहा है अगर ऐसा चलता रहा तो ये
ये सारा देश में आग ना लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अब दूसरे स्टेटों के लोग भी धड़ाधड़ इसे इनके फेवर में आ गए। वो जानते हैं कि इन बेटियों के साथ, अरे उस वक्त तो जो है ना हम भी उन्हें ताली बजा कर पागल हो डांस करा के हमारी बेटी गोल्ड मेडल ले आई, और आज जो है ना वो धरना पर बैठने को मजबूर है। ये तो बहुत बहुत ही एक शर्मनाक बात है, मैं तो यही कहता हूँ।